इस हफ्ते NXT एंड AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप कितनी रही और क्या US नेटवर्क से NXT बहुत जल्दी हमें मूव ऑन करते हुए दिखाई देगा और एलेस्टर ब्लैक के WWE के पास क्या प्लान्स है और बेकी लिंच ने पोस्ट की अपनी पहली फोटो इतने महीने बाद और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले हम जान लेते हैं इस हफ्ते AEW की व्यूअरशिप कितनी रही। तो इस हफ्ते AEW की व्यूअरशिप रही 8,54,000 जो कि पिछले हफ्ते से 20% यहाँ पे ज़्यादा मिले AEW को व्यूअरशिप। और इस हफ्ते NXT की व्यूअरशिप रही 6,59,000 जो कि पिछले हफ्ते से 7.1% यहाँ पर ज़्यादा मिली NXT को। स्टिल मैं कहूँगा इस हफ्ते AEW का शो उतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी इनके व्यूअरशिप में 20% की बढ़ोतरी हुई है तो ये ज़रूर AEW के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आ चुकी है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है 2.282 मिलियन जो कि पिछले हफ्ते से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो स्मैकडाउन की तो कोई बात ही नहीं करेगा, स्मैकडाउन तो क्या ही बोले, अलग ही ब्रांड बन चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं एलेस्टर ब्लैक के बारे में। तो PW इनसाइडर की माने तो एलेस्टर ब्लैक को लेकर स्मैकडाउन के कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स का बहुत बड़ा प्लान है और बहुत ही जल्द ही हमें एलेस्टर ब्लैक स्मैकडाउन में डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे विथ अ न्यू गिमिक। तो लेट्स सी स्मैकडाउन के राइटर्स के पास क्या है एलेस्टर ब्लैक के लिए, लेट्स सी। नेक्स्ट अपडेट है हमारे मैन बेकी लिंच के लिए। तो बेकी लिंच ने इतने महीनों बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट किया विथ हिज फर्स्ट बेबी और यहाँ पर आप देख ही सकते कितने क्यूट लग रहे हैं और हम आशा करते हैं बहुत ही जल्द द मैन यहाँ पे रिंग पे उतरते हुए दिखाई दे, प्रोबेबली रॉयल रंबल में ही हमें दिखाई दे सकते हैं बेकी लिंच। लेट्स सी आगे कब दिखाई देती है WWE के रिंग में बेकी लिंच। तो कल स्मैकडाउन के बाद रॉयल रंबल 2021 के लिए वह और भी काफ़ी सुपरस्टार ने अपनी एंट्री यहाँ पे एग्री कर ली है जिसमें है सैमी ज़ेन, डॉल्फ ज़िगलर और सिंस के नाकामुरा और वुमेंस रॉयल रंबल में द रायट स्क्वाड एंड तमीना है। तो मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ जब सिंस के नाकामुरा का मैं यहाँ पे अनाउंस देखा WWE के सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे लग रहा था उनको डायरेक्ट एक मौका मिलेगा फर्स्ट लेनिया किसी पेपर व्यू में रोमन रेंस के खिलाफ, लेकिन उनको रॉयल रंबल में डाल दिया WWE ने। तो लेट्स सी नाकामुरा का फ्यूचर क्या होता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि NXT के बारे में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेसल ऑब्जर्वर NXT का जो TV कॉन्ट्रैक्ट है US नेटवर्क के साथ वो बहुत ही जल्द हमें ख़त्म होते हुए दिखाई देगा, शायद अक्टूबर में ही, और उसके बाद अभी तक WWE ने कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो लेट्स सी US नेटवर्क पे ही क्या NXT रहती है या फॉक्स पे जाती है या किसी और नेटवर्क पे, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो NXT से ही है क्योंकि यहाँ पर NBC जो यहाँ पर स्पोर्ट्स नेटवर्क था वो अचानक से शट डाउन हो रहा है। तो वहाँ पे जो हमें देखने को मिलता था NHL स्पोर्ट्स या गेम्स वो जो रिपोर्ट की माने तो अब US नेटवर्क पे आएंगे और NH गेम्स का जो डे था वो था वेनेसडे। तो शायद NXT को यहाँ से मूव किया जा सकता है और किसी और डे को मतलब NXT को शिफ्ट किया जा सकता है जो कि मेरी माने तो NXT के लिए एक बड़ा झटका भी बोल सकते हैं और एक प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं क्योंकि दूसरे डेज पे उनको उतना कंपटीशन नहीं मिलेगा AEW जैसा। तो लेट्स सी क्या NXT वेनेसडे से किसी और डे पे हमें देखने को मिलता है कि नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट है डेनियल ब्रायन को लेकर, इन रिंग नहीं मतलब एक इंटरव्यू में डेनियल ब्रायन से पूछा गया कि NXT को लेकर यहाँ पे अभी भी विवाद चल रहा है कि क्या NXT एक स्टिलर डेवलपमेंट टेरिटरी है या नहीं। और इस पे डेनियल ब्रायन ने क्लेम किया कि उनको लगता है NXT अब एक डेवलपमेंट टेरिटरी नहीं है और WWE को न्यू डेवलपमेंट टेरिटरी ढूंढने की ज़रूरत है क्योंकि ब्रायन को लगता है कि NXT है एक थर्ड ब्रांड WWE का। तो मुझे भी काफ़ी हद तक ये बात सही लगता है कि अब NXT डेवलपमेंट टेरिटरी नहीं है, WWE किसी और परफॉर्मेंस सेंटर को ऐड करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं AEW की।
तो इस हफ्ते AEW के लिए एक मैच एडवर्टाइज है जो है एडम पेज एंड रायन नेमेथ। और रायन नेमेथ है डॉल्फ जिगलर के रियल लाइफ भाई। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी AEW से ही है कि AEW ने नेक्स्ट हफ्ते के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एडवर्टाइज किया है। तो AEW का सबसे बड़ा मैच जो नेक्स्ट वीक के लिए एडवर्टाइज है वो है लांस आर्चर वर्सेस एडी किंगस्टन। उसके बाद यंग बक्स एंड गुड ब्रदर्स भी एक टैग टीम मैच में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट डार्क ऑर्डर। और यहाँ पर कोहली रोज यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे शकील ओनील को। तो लेट्स सी आगे ये स्टोरी लाइन कैसे बिल्डअप करती है AEW। तो यही था आज के लिए बहुत सारे अपडेट्स और यही थे न्यूज़। तो ज़रूर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।